नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी जहां एक एक करके अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कई सांसदों के टिकट काटते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट जारी होती हुई नजर आई, जिसमें पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट कटता हुआ दिखाई दिया। ये कहा गया कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अब वरुण गांधी पर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि अब कांग्रेस पार्टी भी मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर से सांसद और निवर्तमान लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। क्या कुछ यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जो कहे हैं उसके पीछे तर्क है, और ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बंगाल में इस तरीके की चर्चा हो, जहां एक पूर्व विचार न्यायाधीश जो इतिहास की जानकारी खुद को दावा करते रहते, उनकी जुबान से इस तरीके की गलत बात निकले। हम बंगाल के लोग इसलिए शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। दादा, वरुण गांधी को बीजेपी ने नहीं दिया, क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस में आए और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करे? आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े दबर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है, और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है, और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनका आना चाहिए, वो आने से हम। उन्होंने ये भी यहाँ पर आश्वासन दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट इसलिए काटा है क्योंकि उनका गांधी परिवार से संबंध है। चौधरी ने कहा है कि वरुण बड़े नेता है, उनका टिकट बिल्कुल नहीं कटेगा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में आना तो चाहिए, उनके आने से खुशी होगी। बड़े दबंग नेता है, शिक्षित आदमी है, साफ सुथरी छवि है, और गांधी परिवार से भी जुड़ाव है, इसलिए उनको बीजेपी ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनको आना चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट कटने के बाद ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी नजर आए, क्योंकि नामांकन पर्चे को लेकर वो यहां पर सुर्खियों में बनते हुए दिखाई दिए थे। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी जो सॉफ्ट कॉर्नर वरुण गांधी को लेकर दिखाती हुई नजर आ रही थी, क्या अब वही कांग्रेस पार्टी का जो ऑफर साफ तौर पर नजर आ रहा है, इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया वरुण गांधी देते हुए नजर आएंगे कि नहीं।